चलो कुछ खा लो। ऐसे कह रहे हो जैसे कैंडल लाइट डिनर है। हाँ, मैं तो कैंडल्स भी ला रहा था, लेकिन तुम लोगों की हैसियत को देखकर मैंने कहा खाना ले जाऊं तो वो ही काफी है, क्योंकि तुम लोग तो इसके भी काबिल नहीं। ठीक है, फिर तुम ही इसे मजे से खा लो। सुनो, सोचो वो कहां गया होगा, मुझे बताओ और खुद भी यहां से जाओ। मैं भी अपना वक्त यहां जाया करना नहीं चाहता। मुझे क्या पता, जब से मिदियात में आए हैं मीरान किससे मिलता है, क्या करता है, मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि हर वक्त रेहान के पीछे पीछे फिरता है। अजीब बात है, तुम लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। अगर कोई सुनेगा तो यही कहेगा तुम्हें इंतकाम के बारे में भी कुछ नहीं पता। तुम लोग झूठ बोलने में भी कितने माहिर हो चुके हो। तुम लोगों की मक्कारियों से तो शैतान भी पनाह मांगता होगा, इतने मक्कार और चेहरे इतने मासूम। बस बहुत हो गया, तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि हम लोगों पे क्या गुजर रही है? सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। तुमने अपने शौहर के लिए दूसरी लड़की का हाथ मांगा, कोई इंसान ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता है? और अब देखो, तुम डर रही हो कि जो रेहान के साथ हुआ कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। जब उस लड़की का हाथ मांग रही थी, मेरे दिल पे छुरियां चल रही थी, लेकिन तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम तो हमसे बदला लेना चाहते हो ना। हाँ, मैं अपने बचपन के ख्वाब को खुद ही मिटा रही थी। अगर मैं इस काम के लिए मजबूर ना होती तो क्या करती मैं ये काम, बताओ जरा आजाद। ठीक है, अब सब कुछ समझ आ रहा है मुझे कि मीरान तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम तो अपने आप को बहुत अलग समझ रहे हो। क्या रेहान प्यार करती है तुम्हें? या अल्लाह, तौबा, तुम ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं आजाद, कहां पे ढूंढूं? 27 साल, पूरे 27 साल इंतजार किया उसने। उस अजीजा ने हमसे इंतकाम लेने के लिए ये प्लान बनाया है। अगर उसकी पोती उसे वापस मिल भी गई, फिर भी उसने आजाद का पीछा नहीं छोड़ना। बहुत खून बहेगा हमदान। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम जान। हमें जिसने भी इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, मैं उसे अपने हाथों से पकड़कर असलान बे खानदान के हवाले कर दूंगी। मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। अब मेरे सामने चाहे तुम्हारा बाप आ जाए या भाई, अगर खून बहेगा तो उन लोगों का बहेगा, मेरे बेटे का नहीं। खानदान, तुम परेशान मत हो, मैं एक एक करके रियान से भी, भाई से भी और बाबा से भी हर चीज का हिसाब मांगूंगा। तुम फिक्र मत करो, मुझ पे यकीन रखो, ठीक है? तुम भी मुझसे वही सब पूछना चाहती हो ना? क्यों जरा? पता है, जब बताने की जरूरत पेश आएगी आप बता देंगे। मीरान की मां दिलशा बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। वो हम दोनों मंगेतर थे। जब मैं आर्मी ट्रेनिंग के लिए गया तो मेरे जाने के बाद अजीजा ने जोर जबरदस्ती दिलशाह से अपने बेटे की शादी कर दी। आप प्यार करते थे ना? सच है,
जहरा मैंने तुमसे भी प्यार किया है और तुम तो मेरे जख्मों पर मरहम बन के आई है। मेरी सच्ची शरीक हयात मरी तुम, मेरी सच्ची जीवन साथी बनी। हमारी दोनों बेटियों की परवरिश तुमने अपने प्यार भरी ममता से की है। और मिरान, उसकी हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता है उस पर। अजीजा ने उसका दिमाग झूठ से भर दिया है। हाँ खजर साहब, मीरान के साथ जो उसने किया इससे अच्छा था कि वो उसे मार देती। नहीं, शादी वाले घर से लड़की को भगा के ले गया। इस शर्मिंदगी के साथ हम कैसे जिएंगे? एक तरफ बाबा की बातें, दूसरी तरफ मीरान की बातें, आजाद का तो पता ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इस परेशानी से कैसे निकलेंगे बाहर। कैसे वापस लाएंगे रेहान को? और अगर ले भी आए तो उसकी हिफाजत कैसे करेंगे हम? काश के तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता। काश के वो सुबह भी आज की सुबह की तरह होती। काश मुझे छोड़ के नहीं गए होते तुम। ईरान, किसी से मैंने इतना प्यार नहीं किया था और अब किसी से इतनी नफरत नहीं की जितनी तुमसे करती हूं। लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि किसी पर भी यकीन नहीं करना। यहां सब कुछ खत्म हो गया था जब मुझे छोड़कर गए थे तुम। खुद जला दिया था मैंने, यहां की हर एक चीज जला दी थी मैंने। और इस जगह की ही तरह हम भी बर्बाद हो गए हैं। हम दोनों की हालत भी इस जगह की तरह है। तबाह। मुझे बताओ मैं क्या करूं रेहान, कैसे सब ठीक करूं? बताओ मुझे प्लीज। मेरी जिंदगी से चले जाओ क्योंकि अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। उस दिन जैसे तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे ना मीरान, आज भी वही होगा। नहीं जा सकता, तुमसे दूर कहीं नहीं जा पाऊंगा। अब सोचो मत, आजाद बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मौका अच्छा है, आजाद के साथ चली जाओ तुम। दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा इससे पहले कि मीरान यहां आए। जल्दी जाओ यहां से।